डिस्टर्ब करने चलते हैं। ये वाला जो रेस्टोरेंट यहाँ पर मिलेगा, ये वाला रेस्टोरेंट। और ठीक है भाई, आगे जाके देखते हैं क्या बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये जो नई वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो यार मेरी बाइक देखो, इस बाइक की हालत जो है वो कैसी हो सकती है यार, बिल्कुल खड़ी की थी। और मतलब इसको मैंने यार लगता है यार महीना से ज़्यादा हो गया, मतलब इसकी लुक आफ्टर बिल्कुल की नहीं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या थी, मेरी जो की थी ना चाबी जो थी तो वो मैंने रखी हुई थी कहीं पर, लेकिन वो मेरे को मिल भी नहीं रही, और मिलेगी भी कैसे यार, मैं उसको ढूंढ रहा नहीं। एक्चुअली जहाँ पर मैंने रखी होती है ना चाबी, तो वहाँ पर भी मैंने दूसरी जगह पे रख दी थी, तो जिसकी वजह से जो है वो मैं फिर सोचूँ यार कहाँ पे रखी है, लेकिन चाबी मेरे को मिले नहीं। तो अभी मेरे को चाबी मिली, एक्चुअली मेरे को आज जाना था उधमपुर, तो चाबी मिली तो मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ी वॉशिंग कर लेता हूँ यार। उन्होंने बोला कि जो गाड़ी आ रही है अभी उधमपुर से, तो उसके ऊपर मौसी हैं, और मौसी को कुछ सामान जो है वो तूने दुकान से कराना है, वहाँ पे रखा है मैंने। मैंने सोचा यार अब तो फंस गया, क्योंकि गाड़ी जो है वो साथ साथ में आ गई थी, तो यार वैसे ही मैंने वहाँ से आधी बाइक धोई थी, आगे आगे से मैंने धोई थी, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया, आधी आधी धोई थी, और उसके बाद मैंने आधी जो है वो उसको रंग दिया, उसके बाद फिर मैं आ गया वापस। तो शुक्र है यार बस जो है वो निकली नहीं, अगर निकल जाती तो फिर तो यार घर वालों भी बोलते कि यार तूने बोला भी था कि हाँ मैं भेज दूंगा, और मैं भेजा भी नहीं, तो फिर जो है वो, लेकिन शुक्र है गाड़ी जो है वो मिल गई। लेकिन मैंने जो है वो बाइक जो है वो हाफ आधी ही जो है वो वॉश की आगे आगे से। चलो कोई बात नहीं यार, ऐसे भी मेरे को आज उधमपुर जाना है, उधमपुर जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर मैं वॉशिंग करवा लूँगा, और साथ में हाँ साथ में क्या है कि यहाँ से कैंथ गली तक तो रोड ऐसे भी गंदा ही है, तो फिर भी जो है वो मिट्टी पड़नी है, तो कोई बात नहीं यार। वैसे एक चीज़ बताना मेरे को, ये जो चीज़ है ना, ये जो पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर जो है वो ये लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अचानक मेरे को दिख गया, ठीक है। तो अगर आप में से कोई 10th का स्टूडेंट जो है वो अगर देख रहा है इस वीडियो को, जिनको मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, तो भाई बताना जो पेड़ के ऊपर, जैसे ये एक पेड़ है ठीक है, और एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ अगर उगता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ के ऊपर दूसरी जब डिपेंडेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मीन्स कि जैसे आदमी होता है, तो मैंने आपको समझाया था कि आदमी होता है तो आदमी के पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मेरे को जो है वो बताना, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भाई। और बाकी यार कोई नहीं, आगे का सफ़र जो है वो आगे दिखाता हूँ मैं। और भाई ये है यहाँ का शनि नाला, और ये है बड़ा वाला पत्थर जिसको बोलते हैं। पहले क्या होता था यार कि गाड़ियाँ जो है वो पीछे, ये जो यहाँ पर पस्सी बड़ी है ना, तो यहाँ से जो है वो गुजरती थी। अब तो यार यहाँ पर जो है वो ये वाला पुल बन गया है, तो रास्ता जो है पुल तो बने इस रास्ते में, लेकिन यार रास्ता बड़ा ख़राब है, तो यहाँ पर बस जो है वो बस के लिए यार दिक्कतें तो बड़ी है। और इस जगह को बोलते हैं शनि नाला, खूबसूरती यार बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ की ब्यूटी ज़बरदस्त है। ये ऊपर देख सकते हो आप, ये पेड़ किसके हैं, तो ये हैं बंज के पेड़। उस यहाँ पर जो है वो ऑयल भी है और बंज है और कौन सकते हैं भाई, और भी बड़ी सारी हैं। और भाई अगर मेरे को गियर डालना पड़ेगा ना, तो फिर मेरे को जो है वो क्लच दबा के डालना पड़ेगा, लेकिन हाथ में मेरे फोन है तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही मतलब विदाउट टच क्लच जो है वो उसको दबाने के डाल दूंगा, तब भी प्रॉब्लम आएगी या कुछ ना कुछ पंगा बनेगा मेरे को लग रहा है, या मैं उल्टा होऊंगा कहीं पे, या फिर आगे से गाड़ी आएगी कोई फास्ट, तब भी कोई पंगा बनेगा। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए यार वीडियो बनाना बड़ी ज़रूरी है, और अपनी ये जो जगह है ना अनएक्सप्लोर्ड पंचारी, तो इसको एक्सप्लोर करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इस जगह का नाम है थाथली, जैसे कि आपने बोर्ड देखा ही है, और इस जगह का नाम है थाथली, और जहाँ पर जो है वो माँ वैष्णो जो है, तो उन्होंने जो है वो जहाँ पर एक बंदे को दर्शन दिए कुछ महीने जो है वो पहले। और हालांकि जहाँ का अगर आप रोड देखोगे ना,
तो ये है रोड, और ये हमारे पंडित जी जो है वो गाड़ी लेके जाते हुए, और यहाँ पर जो है वो एक ठंडा पानी भी है यार, बिल्कुल ठंडा पानी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी गाड़ी आती है तो यहाँ पर रोक कर जो है वो पानी पिया जाता है, और वो वहाँ से इशारे मेरे को मार रहे हैं कि हाँ भाई। लेकिन यहाँ से अगर हमें माता वैष्णो देवी के दरबार में अगर जाना होगा ना, जो पंचारी में है जहाँ पे, तो ये देखो ये वाली वैष्णो देवी जो है वो यहाँ पे है। और अगर हमें जहाँ से वैष्णो देवी के दरबार में जाना होगा तो यहाँ से रास्ता ऊपर है। और एक्चुअली यार इस समय मैं उधमपुर में जा रहा हूँ, तो रास्ते में मेरे को इतना मेरे पास इस समय टाइम नहीं है। मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन दूसरी बार जो है वो मैं पक्का जाऊँगा यहाँ से ऊपर। और ये जो माता का दरबार है ना ऊपर, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल पक्का जाऊँगा। जहाँ से जो है वो 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा हमें अगर माता के दरबार में जाना होगा, तो ये बिल्कुल ऊपर जहाँ से रास्ता शुरू है, और यहाँ से ऊपर जाके जो है वो रास्ता। और वैष्णो देवी जो कि कटरा वाली माता है, तो उन्होंने अपना दरबार जो है वो वहाँ पर लगाया है अभी। और ये है जहाँ की ब्यूटी पहाड़ों में, क्या बात है भाई। तो ये लगी है भाई अपनी बाइक, ये किसी ने यहाँ पर अपनी i20 लगाई है, और ये है मीर का इलाका भाई, देख लो। एक्चुअली मैं यार ये है कैंथगली, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ना, पता कौन सी गली, ये है कैंथगली, ये कैंथगली है। यहाँ से जो है वो दो रोड आते हैं, एक रोड जो होता है आता है वो इस साइड आता है, एक साइड इस साइड आता है। जो इस साइड जाता है उसको बोलते हैं भंसारी वाली साइड, और जो इस साइड आता है उसको बोलते हैं मोंगरी वाली साइड का रोड, ये जो हमारी साइड, ठीक है। तो हम जो है वो मोंगरी वाली साइड रहते हैं, और यहाँ से रोड जो है वो दूसरी साइड जाता है पंचारी को, और ये जो है सामने सांकरी जहाँ पर मेला लगता है मई जून में जो है वो, मई जून में नहीं अगस्त सितंबर में जो है वो जहाँ पर मेला लगता है बिल्कुल टॉप पे, ये है सांकरी बाबा जो है ना, तो उनका मंदिर है। और ये नीचे जो है वो मीर का मोहल्ला, मोहल्ला बोल सकते हैं, टाउन बोल सकते हैं, छोटी सी मार्केट है मीर में ये वाली। और बस यार कुछ नीचे हैं घर, कुछ ऊपर हैं। कैंप गली में पहुंचने वाला हूं मैं बिल्कुल, और ये आपको सामने दिखाई दे रही है पंचारी को बिल्कुल सामने, और ये आ गया मीर, और ये आ गया पंचारी जो है मैं बिल्कुल पहुंचने वाला हूं यार। वहाँ से जो है रोड में यार बिल्कुल ढलान है ना, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल करके जो है वो चला रहा हूं। और अब तो यार गाड़ी नहीं आई है, और इसलिए जो है वो लोग यहाँ पर पैदल जा रहे हैं, गाड़ियाँ यार यहाँ पर नाका भी लगा होता है एक्चुअली, ऐसा ना हो कि आज नाका लगा। ये यार नीचे से रोड गया यहाँ से, और ये गया रोड कोंटी की तरफ, कैंप के लिए तो कोंटी। बाकी देखो यार एक मिनट, मेरे को यहाँ पे एक उस्ताद दिख गए, और कौन उस्ताद है ये, ये है भाई यहाँ पे कैंप के लिए। और मेरे को यार भैया देखिए, कौन से भैया, ये गाड़ी वाले, तो उनसे यार मिल लेते हैं, क्योंकि वो उनसे मिले नहीं तो वो बोलेंगे कि यार मिलने के बगैर चला गया। और यहाँ पर हूँ मार्केट है जहाँ पे बारिश की संभावना है, देखते हैं शाम को पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। तो ये भैया यहाँ पे हवा कम हो गई थी यार, तो उसको सोचा कि हवा भरवा लेते हैं, तो देखते हैं भाई। ये है इनका एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी है यहाँ पे, और साथ में मशीन चक्की लगाई है, और साथ में वो रिपेयरिंग का काम भी होता है। अगर कोई बंदा जो है वो यहाँ पर आना चाहता है ना, और अगर आए तो किसी की बाइक जो है वो ख़राब हो जाती है, तो जहाँ पर ये वाली दुकान आपको मिलेगी कैंथ गली में। तो भाई आपके भाई ने कैंथ गली क्रॉस कर ली है, और इस समय मैं पट्टी जहाँ से आगे जो है वो पट्टी का इलाका पड़ेगा, और अभी मेरे को रोड जो है वो बिल्कुल मस्त वाला रोड जो है वो दिख गया है। और यहाँ से एक और मेरे को बेनिफिट ये होगा, अगर आप बाइक लेके जहाँ पर आते हो, तो एक और बेनिफिट ये होगा आपको कि
जब कैथली से वापस आते हो ना, तो यहाँ पे जो है वो ये बिल्कुल ढलान होती है, और ढलान होने की वजह से आपका आपकी बाइक जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल चलेगी। देख रहे हो तो मेरी बाइक जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, और रोड जो है वो अभी आपको मस्त रोड दिखेगा। लेकिन हाँ यार, जहाँ पर ड्राइविंग जो है ना बड़ी ध्यान से करना पड़ेगी, अदरवाइज जहाँ पर जो मोड़ है ना, तो मोड़ बड़ी ज़बरदस्त है। तो भाई चलो मैं आपको रोड ही दिखाता हूँ अभी। टाइम लगा वहाँ से कि मेरे को लगता है कि मैं एक घंटा हो गया भाई, क्योंकि मैं धीरे धीरे आया ना और रुकता रुकता आया, तभी मेरे को जो है एक घंटा लग गया। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो पट्टी में आपको एक और ये वाला जो है रेस्टोरेंट यहाँ पर मिलेगा, ये वाला रेस्टोरेंट। और ठीक है भाई, आगे जाके देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि भाई अब अंधेरा होने वाला है, और अंधेरा होगा ना जब, और ऊपर से जो है वो मेरे को सर्दी लग रही है भाई, लेकिन बाइक मेरी बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है भाई, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे जो है वो रोड बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन गाड़ियों वाले आगे से आते हैं, बिल्कुल ऐसे आते हैं कि जैसे उनको लगता है कि नेशनल हाईवे बन गया हो भाई। नेशनल हाईवे नहीं है ये लिंक रोड ही है पंचारी वाला। पहले इस रोड की बड़ी बुरी कंडीशन थी, लेकिन कैंथ गली से उधमपुर तक अब जो है वो ये बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त बन गया है, लिंक लाइन के हिसाब से अगर हम देखें। यार आपने सुना ही होगा नाम, यहाँ पर भी लगा है, क्या लिखा है यहाँ पे, माली पुल तो लिखा नहीं है भाई, लेकिन माली पुल तो यार हम ऐसे बोलते हैं ना कि माली पुल, तो तभी जो है वो इसका नाम माली पुल है। इसको खोल लेते हैं। तो ये रही अपनी बाइक, और भाई यार अंधेरा हो। ए बाबू जी, चलो यार इनको क्या डिस्टर्ब करना है, चलते हैं। ये भी सोचेंगे कि कौन आ गया भाई। चलो भाई चलो, हम भी जाते हैं अपने रास्ते, आप भी जाओ। जगह आप पहले पहचानना, और पहचानने के बाद जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सी सिटी है, या फिर कौन सा टाउन है। टाउन थोड़ी है भाई, छोटा सा टाउन थोड़ी है, ये तो बड़ी सिटी लग रही है। तो ये कौन सी सिटी है, जो जानते हैं उनको तो पता ही होगा, जो पंचारी मोंगरी के रहने वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि जब हम मानसर का जो पहला मोड़ है ना ऊपर, क्रिमची मानसर से ऊपर आते हैं तो पहला मोड़ है ना जो ऊपर, वहाँ पर आते हैं तो वहाँ से उधमपुर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई। तो भाई नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, पहाड़ों में गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं, हैं। और ये है मोंगरी वाली, आई थिंक नहीं पंचारी वाली लास्ट बस है। लास्ट कहाँ यार, इसके पीछे एक और आएगी, ये है पंचारी वाली बस, और ये हैं जो हैं SRTC के ट्रक, जो कि डिपो का सामान जो है वो उसको लेके आते हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ मानसर में, और यहाँ से अब रोड का डायमेंशन जो है तो ये बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इससे पीछे जो रोड था ना, अगर उस
इसको मैं एक गुना रखता हूँ ना, तो जो अभी यहाँ से आगे रोड होगा तो उसको मैं डेढ़ गुना रखूँगा, क्योंकि अभी ये देखो कि यहाँ पर गाड़ी जो है तो चलते चलते जो है त्रास हो सकती है। इससे पीछे क्या था कि गाड़ियाँ खड़ी होती है वो त्रास करने लगे, जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पास दे देता हूँ पहले, चलो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि रोड बड़ा है तब ही भाई मुझे डर लग रहा है यहाँ ठीक है। मैं पहुंच गया हूँ सप्लाई मोड, और यह है सप्लाई मोड। सप्लाई मोड से जो है रोड जो है तीन चार मोंगरी की तरफ जो जाता है, और चलो ठीक है भाई अब मैं जाता हूँ आगे, और आगे मुझे लगता है जाम लगा होगा देर में पहुँचे, क्योंकि शाम के टाइम पे जो है वहाँ पर ज़्यादा जाम लगा होगा, तो आप मैं देखते हैं निकल जाएंगे भाई बाइक पर। मैं पहुँच गया उधमपुर, और भाई अभी हेलमेट भी लगी है, खोलूँ इसको भाई। तो भाई फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ भाई उधमपुर में, और अभी यार टाइम हो रहा है, क्या टाइम होगा, मेरा फोन काम पे दूसरा पड़ा हुआ, अभी तो देखा था नीचे 8:30 बज गए थे। हाँ तो भाई फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं पहुंच गया हूँ उधमपुर में, और बस आज की जर्नी जो है वो आपको कैसी लगी तो बताना मुझे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरी जगह पे जाएंगे और वहाँ का नज़ारा जो है वो आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, खाना देखते हैं कि